सो गाइस फाइनली हम फतेहगढ़ गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे बैक साइड, ये हमारे ओंकार जी और ये हमारी दी। जैसे कि आपको पता ही है जो दिसंबर मंथ में सवा चलती है, तो उस दौरान 21 दिसंबर से 27 तक गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार ख़त्म हुआ था। सो गाइज ये बहुत ही दुख भरी कहानी है इस गुरुद्वारे की। मैं आपसे ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार इस जगह को ज़रूर जाना, जहाँ पर बाबा जी जो 7 साल के थे और जो 9 साल के थे, दो गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जिंदा दीवार में चिनवाए गए हैं। तो सोचो कैसे इतने छोटे छोटे पूरे यहाँ पे दो जिंदा दीवार में चिनवाए गए हैं और दो युद्ध में मारे गए थे। तो ये कहानी है यहाँ की इस गुरुद्वारे की, बहुत ही दुख भरी कहानी है गाइज। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है यहाँ का। ये है हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी, बाबा जी की कहानी। तो ये आप देख सकते हैं गाइज। यही है वो ब्लैक बॉल जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बबच्चे चिनवाए गए हैं, एक 7 साल के और एक 9 साल के, और उनके नाम थे श्री फतेह सिंह जी और श्री जोरावर जी। दो बाबा जी थे वो, बहुत ही छोटे छोटे। यही है वो ब्लैक बॉल, ये हमने आपको दिखाई। तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी यहाँ के दर्शन हुए। सो गाइज बहुत ही रोना आता है इस जगह को देख के, मन भावुक हो जाता है। देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं माता गुजरी के गुरुद्वारे, जहाँ पे माता गुजरी अपने दोनों पोते के साथ रहती थी। यही है वो जगह जहाँ पे माता गुजरी उनकी केयर करती थी और बहुत ही लाड प्यार से अपने पोते को अपने साथ रखा था। अभी हमने कर लिए हैं यहाँ के दर्शन, अभी हम निशान साहिब यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। तो गाइज हमारी यही कोशिश है कि हम आपको सारा सब जो भी यहाँ पे है, जो भी यहाँ की हिस्ट्री है, वो हम आपको बताएं, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये जो जगह है, ये आप देख रहे हैं, ये है ठंडी बुर्ज, जहाँ पे माता गुजरी अपने दोनों बच्चों के साथ कड़ाके की सर्दी ठंड में, दिसंबर में आपको पता ही है ठंड कितनी रहती है, तो उस टाइम बिना किसी कपड़ों के वो यहाँ पे उन्हें बंदी बना के रखा था मुसलमानों ने। तो दो बच्चों के साथ माता गुजरी जी ने क्या क्या सहा है, ये आपको
यहाँ पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है इस गुरुद्वारे की, बहुत ही दुख भरी कहानी है। हैं यहाँ पे फिश।